हीरो और झीलों के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक मंदिर जिले के अजयगढ़ में स्थित अजयपाल बाबा का मंदिर है। यहाँ सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही मंदिर के पट खुलते हैं। भक्तों को 48 घंटे तक ही भगवान के दर्शन मिलते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान अजयपाल बाबा के दर्शन करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती है। लोग अपने साथ साथ पशुओं के लिए भी लोग यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। दरअसल पन्ना जिले में मकर संक्रांति के पर्व को मनाने के लिए कई जगहों पर मेला का आयोजन किया गया, लेकिन अजयगढ़ में स्थित अजयपाल किले के मंदिर का महत्व भक्तों के बीच अलग ही है। यहाँ भक्तों को साल भर में सिर्फ एक बार दर्शन होते हैं। मकर संक्रांति के दिन से 48 घंटे के लिए मंदिर के पट खुलते हैं, जहां दर्शन करने और पहाड़ी में स्थित मंदिर के समीप तालाब में आस्था की डुबकी लगाने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यह अनोखा मंदिर अजयगढ़ किला में ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। अजयपाल नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा साल में एक बार होती है। मंदिर में विराजित मूर्ति हर साल रीवा से लाई जाती है, क्योंकि मूर्ति की सुरक्षा रीवा के पुरातत्व संग्रहालय की जिम्मेदारी पर है। इसलिए पुरातत्व के अधिकारी भगवान की मूर्ति को पूजा के लिए हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ लाते हैं। लोग बताते हैं कि अजयपाल बाबा की मूर्ति 35 वर्ष पहले चोरी हो गई थी। इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट बेचने के लिए चोर दिल्ली ले गए। यहाँ पुलिस ने मूर्ति को पकड़ लिया और वापस पन्ना लाकर न्यायालय में पेश किया। यहाँ से मूर्ति पुरातत्व विभाग रीवा को सुपुर्द कर दी गई। तभी से मकर संक्रांति के दिन 48 घंटे के लिए पुरातत्व विभाग की सुरक्षा में मूर्ति को पूजा के लिए पन्ना लाया जाता है, फिर वापस रीवा के पुरातत्व संग्रहालय में रखवा दिया जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस अद्भुत मूर्ति को मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखवाना चाहिए, ताकि पूजा पाठ हो सके। इस मूर्ति के दर्शन को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों की हर मुराद पूरी होती है। निसंतान दंपति यहाँ अपनी गोद भरने की दुआ लेकर आते हैं और कुछ मन्नत पूरी होने के बाद सवैया प्रसाद चढ़ाते हैं। लोग मवेशियों की सुरक्षा की दुआ लेकर भी यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ के एकमात्र कंकड़ को ही अगर मवेशियों के पास रख दिया जाए तो पशुओं की बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है। वह भक्त यहाँ मकर संक्रांति के दिन यहाँ लोग सवैया भोजन बनाकर अजयपाल बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं। अजयगढ़ के किले का इतिहास बताता है कि यह 2000 ईसा पूर्व चंदेल वंश के राजाओं के दौर का है। बताया जाता है कि यहाँ चंदेलकालीन राजाओं का खजाना है। इसके ताला और चाबी का रहस्य बीजक में छिपा है। इस किले को लेकर कई किस्से कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आए तो उन्होंने किले में छिपे खजाने का पता लगाने के लिए यहाँ के मंदिर में रखी मूर्ति तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि मूर्ति टूटने की बजाय पानी के कुंड में जाकर विलुप्त हो गई। तभी से किले में मौजूद खजाना दुनिया के लिए रहस्य बन गया। लोगों ने बताया कि अजयगढ़ नगर के बसने से पहले अजयपाल नाम से एक बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, जो लोगों के पशुधन की रक्षा के लिए वरदान दे दिया करते थे, जिससे लोगों के पशुओं को रोग बाधा नहीं हुआ करती थी। तभी यह मान्यता चली आ रही है। आज भी यहाँ पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिलों से लोग मकर संक्रांति के दिन आते हैं। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, यहाँ से करीब 100 कोस तक, 300 किलोमीटर तक इनकी दुहाई चलती है। और जो पशुपालन करते हैं और प्रकृति से प्रेम रखते हैं, वो सब यहाँ पर साल में एक बार आते हैं। और अजयगढ़ पूरे परिक्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे कई जगह पे, उत्तर प्रदेश में भी और कई जिले के अंदर अजयपाल महाराज की बहुत मान्यता है। आज कुछ भी काम होते हैं तो अजयपाल महाराज के नाम से होते हैं।